Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMET Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by profit and loss account? Yeah, how to prepare a profit and loss account? बच्चे आज की सेशन में हम लोग इस दो टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और इसको साथ ही साथ हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीएल अकाउंट करते हैं। तो जैसे इसका मीनिंग में अगर समझे तो मीनिंग में हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट होता है और इट इज डेबिटेड विद द ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद द ऑल इनडायरेक्ट इनकम। हम इस अकाउंट के डेबिट में सभी प्रकार के जो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको शो करते हैं और क्रेडिट साइड में जितने भी मतलब आमदनी होती है अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट इनकम होती है या गेन होती है या प्रॉफिट होती है उसको हम लोग इसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन आइटम डायरेक्ट है और कौन आइटम इनडायरेक्ट है। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है कि किसी भी एक्सपेंसेस के पहले अगर फैक्ट्री वर्ड लग जाए या किसी एक्सपेंसेस के पहले ऑफिस वर्ड लग जाए, हम साफ यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर ये सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऑफिस रेंट है कि फैक्ट्री रेंट है, तो इस सिचुएशन में हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज्यूम करेंगे। यहाँ पर रेंट का मतलब रेंट पेड हम एज्यूम किए कि रेंट पेड लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज्यूम करेंगे और जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब है इट इज डेबिटेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कभी कभी आपको देखने को आएगा कि इसमें स्पेशली आपको क्लियर मेंशन हो कि ये फैक्ट्री रेंट है, इस तरह से लिखेगा कि फैक्ट्री रेंट इज रुपीज 2000, तो उस कंडीशन में हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज्यूम नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज्यूम करेंगे। यही चीज हम आपको बताएं कि किसी भी एक्सपेंसेस के आगे अगर पहले अगर फैक्ट्री वर्ड लग जाए उसको हम डायरेक्ट एज्यूम करेंगे और डायरेक्ट करेंगे तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट हम तब उसको मानेंगे जब उसके पहले वो ऑफिस वर्ड लगा हुआ है। हालांकि पांच आइटम ऐसा है जो आपको मतलब इनकम भी होता है और वो आपको एक्सपेंसेस भी होता है, इस पर फोकस करना है। जिसमें से फर्स्ट तो यही आपका वर्ड हो गया रेंट हो गया फर्स्ट, तो रेंट हो गया। उसके बाद आपको एक आइटम है कमीशन, अगर कमीशन और रेंट, उसके बाद एक वर्ड आता है इंटरेस्ट, उसके बाद एक वर्ड आता है डिस्काउंट और एक वर्ड है डिविडेंड। हालांकि डिविडेंड कंपनी के सेस में होता है, तो ये पांच ऐसा वर्ड है कि ये वक्त पर इनकम भी होता है और एक्सपेंसेस भी होता है। कैसे? अगर आपको रेंट आपको पेड लिख दे तो इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, लेकिन अगर इसी में रिसीव लिख दे रेंट रिसीव तो इसको हम इनकम एज्यूम करेंगे, और अगर रेंट पेड लिख दे तो इसको हम एक्सपेंसेस एज्यूम करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि अगर पेड रिसीव नहीं लिखा हुआ हो तो कभी इसके नाम के ऐसे आगे में डेबिट या क्रेडिट लिख दे, तो डेबिट लिखने का मतलब है कि ये एक्सपेंसेस है और क्रेडिट लिखने का मतलब है ये इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। इट इज स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। चूंकि ये सेकेंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट है कि नहीं है या ग्रॉस लॉस है कि नहीं है। जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस को लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ है कि जब भी पीएल अकाउंट बनाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट है कि नहीं है, क्योंकि
क्योंकि सबसे फर्स्ट आइटम आपको कुछ याद होगा कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो ओपनिंग स्टॉक से करते थे, तो हम देखते थे कि ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। तो वैसे कोई एक ही होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। अभी हम क्वेश्चन भी आपको एक दिए हैं, उस क्वेश्चन को हम यही चीज यही चूज करेंगे कि कौन इसमें डायरेक्ट है, कौन इसमें इनडायरेक्ट है, मतलब कौन इसमें इनकम है, कौन इसमें एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में करेंगे, और अगर ये इनकम है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे। इस तरह से ओवरऑल हम लोग देखते हैं, लास्ट में देखते हैं कि अगर डेबिट ज्यादा हो गया और क्रेडिट कम है तो डेबिट माइनस क्रेडिट अगर करेंगे तो इसका मतलब है ये आपका नेट लॉस हो जाएगा। और इसी में अगर मुझे क्रेडिट आमदनी ज्यादा हो जाएगा तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो यही आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट हो गया तो इससे कैपिटल को कैपिटल में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नेट लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से बैलेंस शीट लास्ट में इक्वल हो जाएगा। थैंक यू ऑल।